हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अयांतिस साइट। और इस वीडियो में अपन चेक करेंगे किस तरह से आप जो है मोंगोसी कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन मोंगोसी कनेक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सीडी डेमो वन करके उस फोल्डर में एक्सेस मारता हूँ। और उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट अपना यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश मार लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना यहाँ ईजीएस फोल्ड ईजीएस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो मोंगोस से मैं कनेक्टिविटी करूँगा वो आप लाइक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है किस तरह से कनेक्टिविटी, किस तरह से लाइक npm इंस्टॉल, जैसे कि अपन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्वर को किल मारता हूँ, यस बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटर मार के इंस्टॉल करता हूँ किसको, मोंगोस को। ठीक है, तो मेरा मोंगोस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे पैकेज पे जाके यहाँ पे देख सकते हो, ये मोंगोस मेरा यहाँ पे आ चुका है 7.0.2, जो कि अपडेट वर्जन आपका यहाँ पे आ चुका है। तो पहले अपन क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे मोंगोस को। ठीक है, रिक्वायर करने के बाद जो भी उन्होंने यहाँ पे प्रक्रिया बोली है उसको कनेक्ट करेंगे अपन। तो पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, किस तरह से आप इसको डॉक्यूमेंट, ये जो है अपना स्कीमा किस तरह से बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्कीमा यहाँ बनता है। तो पहले अपन जो कि सब चीज़ें अभी इसके में अपने पास अवेलेबल है तो वो भी अपन चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली अभी अपन क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, किस तरह से मोंगोस की कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, सो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन अभी नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अपन पहले यहाँ पे कोड लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर मोंगोस ले लेंगे। ठीक है, रिक्वायर मोंगो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट मोंगो इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगो। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या करा, मोंगोस को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोंगोस को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मोंगोस डॉट सेट स्ट्रिक क्यूरी, और अभी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अपन फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट को डाटाबेस करते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द डाटाबेस। ठीक है, सो कनेक्ट करते हैं अपन अपने डाटाबेस से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोंगोस डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने मोंगो डीबी, के बाद मैंने यहाँ पे दो स्लैश लगाया। और कौन से सर्वर पे मुझे इसको चलाना है, तो लाइक अभी मैं अपनी मर्जी से दे देता हूँ, आप भी अपनी मर्जी से इसको दे सकते हो। तो 0.0.0.1/node। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका वो भी दे देता हूँ यूज़ के बाद न्यू। ठीक है, न्यू URL पार्सल अपन को यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आ चुका है, और मैं इसको यहाँ पे ट्रू बोल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये अपना कनेक्ट डाटाबेस इस सर्वर पे अपना चलेगा। वो भी अपन, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से मोंगोस को और कनेक्ट करना अपने डाटाबेस पे। अभी सिर्फ इसका कोड लिख रहा हूँ, आगे में सिर्फ सिंपल सा काम रहेगा, सिर्फ इसका अपन यूज़ करेंगे। इस लिंक का जो मैंने यहाँ पे दिया, इसका सिंपल सा बस यूज़ करेंगे, 2 मिनट का काम नहीं है, बस वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या रहता हूँ, डीबी ले लेता हूँ, कॉन्स्ट डीबी, इसको स्पेस दे देता हूँ मैं थोड़ी, कॉन्स्ट डीबी मोंगोस डॉट कनेक्शन। ठीक है, मोंगोस डॉट कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेक इरर कर लेते हैं, अगर कोई इरर आ गई तो चेक इरर। ठीक है, सो डीबी डॉट ऑन, और यहाँ पे मैं इरर चेक कर लेता हूँ, अगर वो एरर आई तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट, इसको मैं काम करता हूँ वो कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे मैं इंटर मार लेता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाए। ठीक है, और मैं एरर चेक कर लेता हूँ, अगर कंसोल डॉट एरर, अगर वहाँ पे एरर आई, ठीक है बाइंड, अगर वहाँ पे एरर आई तो कंसोल करके प्रिंट कर दो। तो कंसोल कोमा
और यहाँ पे मैं कुछ भी आपकी मर्जी से आप पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट कनेक्टेड टू द कांट कनेक्टेड टू द मोंगोस डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोंगोस डीबी यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद अगर वो इस कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाता है तो इस कनेक्टेड इज सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली अगर वो हो गया है तो व्हाट कैन आई डू। सो यहाँ पे db डॉट वंस करेंगे अपन, और इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन अपन यूज करेंगे, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन यूज करने के बाद अपन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डाटाबेस विल कनेक्टेड, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज इंडेक्स में, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल, देखो मैं मॉड्यूल को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन है नोड जेएस में, ताकि आपको मॉड्यूल यहाँ पे लिखना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करके यहाँ पे डीबी आपको देना पड़ेगा। सो आइए अपन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, कॉन्स्ट मोंगोस लिया, रिक्वायर्ड मोंगोस, ठीक है। मोंगोस को सेट करा मैंने, इसको फॉल्स बोल दिया। फिर कनेक्ट टू डाटाबेस करा, मोंगोस डॉट कनेक्ट मोंगो डीबी एंड 1230.0 नॉट एंड देन यूजर यूआरएल पार्सल और ट्रू, ठीक है। बस इस लिंक का यूज करूंगा मैं कनेक्ट टू मोंगो, जब मैं मोंगो के साइट पर जाऊंगा, ठीक है। कॉन्स्ट डीबी इक्वल्स टू मोंगो डॉट कनेक्शन कर दिया। अगर वो एरर आई तो ये एरर हैंडल कर लेगा और यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगी। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा अपना, कंसोल डॉट डाटा बेस विल बी विल कनेक्टेड विल बी कनेक्टेड कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये अपना हो चुका है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कनेक्टिविटी हो चुकी है अपनी, तो मिलते हैं कि इसका स्कीमा कैसे सेट करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अपन चेक करेंगे कि मोंगोस को कनेक्टिविटी प्रॉपर आपके सर्वर पे आपको शो कैसे होगा कि हाँ सही में भी अपना मोंगोस कनेक्ट हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। सो थैंक यू सो मच।